This news is sponsored by Event Handle. Make your event memorable. की दुनिया में आपने वार पलटवार तो बहुत देखे होंगे। राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, तो सभी चौकीदार बन गए। दरअसल बीजेपी ने एक नया ट्रेंड फॉलो कर लिया है, उन्होंने अपना एक नया ट्रेंड बनाया है, वो है मैं भी हूँ चौकीदार। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ा है। ट्विटर पर पीएम मोदी का नया नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नया नाम चौकीदार अमित शाह हो गया है। बता दें कि शनिवार को ही पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा कि हर देशवासी जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है वो एक चौकीदार है। भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा है कि मैं भी चौकीदार। इसके बाद ट्विटर पर हैशटैग मैं भी चौकीदार ट्रेंड करने लगा था। ट्विटर पर चौकीदार बनने के बाद अमित शाह ने लिखा कि जिसने बनाया स्वच्छता को संस्कार वो ही है चौकीदार। हैशटैग मैं भी चौकीदार, कहो दिल से चौकीदार फिर से। रविवार को पीएम मोदी ने जैसे ही ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ा, उसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं ने भी अपने ट्विटर पर नाम के आगे चौकीदार लिख लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूनम महाजन, अमित मालवीय, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, मीनाक्षी लेखी, विजेंद्र गुप्ता, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनुराग ठाकुर समेत कई बीजेपी नेता ट्विटर पर चौकीदार बन गए हैं। वाकई जिस तरीके से मोदी सरकार ने चौकीदार चोर है का जवाब दिया है मैं भी हूँ चौकीदार से, ये एक तरह की काफी सदी हुई राजनीति है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब